नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत। आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज चैनल मेहरमपुर गांव से। आज पहुंचे हैं विधानसभा 2022 की चर्चा को लेकर के जानने के लिए कि आखिर क्या है चुनावी माहौल। तो आज मेहरमपुर से आप देखिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एक बुजुर्ग बाबा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 65 साल की। 65 साल की बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रसगुल्ला। रसगुल्ला बाबा का नाम रसगुल्ला, क्या कहने? मेरा नाम है तेजन। तेजन 90 साल की उम्र हो रही है। 90 साल की उम्र, देख सकते हैं 90 साल की उम्र में भी वही जलवा है। मजाक किया, मिजाज बड़ा पसंद आया हमें। लेकिन चलिए बात करते हैं बाबा है? इस बार कौन के? 90 साल हो गए, इसका मतलब तो आप 70 साल से वोट डालते आ रहे हो। हाँ। सबसे बड़े वोटर हैं आप मेहरमपुर गांव के। मैं सब में बड़ा हूँ, अब हमारे गांव में और बढ़ाना मेरे थे नहीं है। सर्वे करवा लिया आपने? सर्वे हो गया पूरा? नहीं है कोई बड़े यही है जी। देखो ये भी कह रहे हैं, इनके गांव वाले भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब ठीक है बात। अच्छा ये बताइए, अभी तक किसको वोट करते आ रहे थे? अभी तक वोट किसको करते आ रहे थे? वोट हाँ धामा को जी, पहले से ही धामा को कांग्रेस को दिए रहे। नई नई पार्टी हो रही है, अभी हो रही है बीजेपी। बीजेपी हो रही है? बीजेपी पुरानी पार्टी नहीं है, लोगों की पार्टी थी, है ना। हाँ, इस बार किसको, इस बार कौन? अब के पता लगेगा भाई कौन बन जाए, टाइम की बात है। क्यों भाई? हाँ, किसकी जीत हो जाए, क्या हम के बताओ, किसे दोगे वोट? वोट किसे दोगे? वोट अभी पता नहीं किसे देनी, तो टाइम बताओगा। टाइम कब बताओगा? हाँ टाइम बताओगा, टाइम तो आ रहा है। वोट का देते देते का दिमाग खत बदल जा है अंगूठा। दिमाग बदल जाते देते का भी। अच्छा नहीं ये तो बताओ, आप 70 सालों से वोट करते आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस को भी दी, भाजपा को भी दी, कांग्रेस को भी दी, इसे भी दी, जिसका टाइम आवे उसे सबको दी और सबको जिताया है। अब आप अभी तुम्हारे गांव में हो गए, दामा जी आने वाले हैं, अभी सूचना मिली हमें। हरा देखा हुआ यू, जब इसके गए बिना बिजली के बारे में, यू घर में लुक गा इन, हमारा कोई काम नहीं किया बिजली का, जब हमने दूसरे तक करवाया ना कोई काम करी। ये तो नुक बड़े बुजुर्गों का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं पापा सुन रहा, ऐसे नहीं जाने देंगे हम आपको। जब हम ऐसे हम बारे में गए ना, ढिकोली तब बिजली लगी, ढिकोली थे अंदर, ढिकोली थे लीलू हा सुली का और मैं है ये, अतः वायु घर में लुक गा, हमें पाया नहीं। तो तुम्हारा बिजली का काम नहीं करवाया इन्होंने? वोट बताओ किसे दोगे तुम? अभी टाइम बताओ कब से टाइम कब आवेगा पापा? 90 साल की उम्र होगी, अभी टाइम कब बुला रहे? एक बात तो सुनी, जब वोट देने जा रहे हम इसकी, अब दिमाग बदल गा दूसरे की दीदी पट देगी के पता लगे टाइम। अगर आप दिमाग बना के जाओगे तो फिर कैसे बदल जाएगा? टाइम बदले, टाइम बदल जाओ। क्यों वकील साहब मजा दे रहे हो, इसका मतलब मजा ले रहे हो पूरे 90 साल की उम्र में, क्या बात है। देश को भी हो सके, दिमाग बदल जा, वोट किसी की दे रहा, गुट्ठा किसी पे लग जाए, अब पता कुछ नहीं। मशीन है होने की सुनी थी, ईवीएम मशीन है हो जा, पर नहीं पता था आदमी वहां जाते हैं हो जा रे लता मर गई ठोक हो लग रहा, तू बकवाद कर रहा सारी दुनिया में ठोक हो रहा। चलिए यहां कुछ और लोग भी खड़े हैं, इन लोगों से भी हम बात कर लेते हैं, बाकी इनसे भी अच्छा लगा, इनका भी कहना है कि हाथ कांप जाते हैं। कोई बात नहीं भैया, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप भैया, इस बार मुद्दों पर चुनाव होगा या कुछ और? मुद्दे भी है और भी कुछ है, और भी कुछ है। हाँ? जैसे राम मंदिर निर्माण। राम मंदिर निर्माण तो ठीक है, पर यहाँ का जो विकास है, यहाँ कैंडिडेट के ऊपर विकास है। अब यहाँ पर जैसे योगेश धामा है, शुरुआत से जुड़ा हुआ है, जिला पंचायत सदस्य भी रहा, चेयरमैन भी रहा है, और पिछली बार विधायक भी है, इस बार विधायक है, विधायक बनने जा रहा है, ठीक है ना? तो बनने जा रहे हैं। हाँ जी, क्या बात है, फुल कॉन्फिडेंस? बिल्कुल फुल, एक तरफा। क्यों कसाना भी उठ रहे हैं की बार जो है, आम आदमी पार्टी के नवीन गुजर भी आ रहे हैं, कसाना को कहाँ ढूंढते फिरेंगे? अच्छा ये कुत्ता मरा जब भी हमारे गांव में आवे। लेकिन ये भी बाहर के नवीन गुजर तो यहीं के हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं अनिल देव त्यागी, वो भी यहाँ के हैं। फाइट में तो नहीं है, फाइट में तो हमारे विधायक जी हैं। योगेश को योगेश को योगेश को पक्का एक तरफ है जी। हाँ जी,
युवाओं का भी आज आ रहा है कि रोजगार हमारी बड़ी समस्या रही है, सरकार के अंदर रोजगार नहीं मिले, युवाओं को जो है भर्ती नहीं निकली, सारी चीजें, ऐसा क्या कर भर्ती का कारण कोरोना भी तो है भाई, कोविड है, धामा है, ये तो धामा कोई है जी, धामा कोई देंगे सब। आप कौन हो? हम, हाँ जी, ये धामा, आप भी धामा नहीं हो? हम नहीं धामा, आप क्या हो? हम राठी हैं। राठी हो? हाँ, तो राठी भी तो दे रहे धामा को। हाँ, धामा को देंगे। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, ये भी तो धामा को दे रहे। हाँ, धामा को देंगे अब। निकल गया की बात, निकल गई मन की बात, धामा की बोल, मैं समझ गया, वो उठा नहीं कांप रहा, धामा को देंगे। देखा, ये होते हैं वोटर, क्या बात है। चलिए कुछ लोगों से और अंदर जाके बात कर लेते हैं, काफी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी लोगों से हम वन बाय वन बात करेंगे, एक एक करके। बाबा बाबा, एक मिनट, नाम बताइए। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जी, इस बार कौन, इस बार कौन काहे में 300 बिजली यूनिट फ्री देने को कह रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं, कौन कह रहा है? अखिलेश राज में होगा ऐसा कह रहे हैं। कहाँ से बिजली? अब कर देंगे, फिर न्यू कह देंगे कुछ भी ना। ईद भाई आओगे फिर तो? अब तो न्यू कह देंगे, फ्री कर देंगे, फिर कुछ भी ना पावे, ना पावे। आओगी ना तो फ्री तो रहेगी वो। अच्छा, जब बिजली गांव में आवे ना तो फ्री तो रहेगी वो। आवे नहीं बिजली, फिर बिल कौन देगा जब मीटर ना चले तो? पहले बिजली ना आई ना। अच्छा जी, अब आ रही है 18 घंटे। 18 घंटे आ रही, क्यों जी, क्या कह रहे हैं? सही कह रहे, 18 घंटे आ रही है, आ रही है। किराना के अंदर कुछ असामाजिक लोग, उन्हें हम कहेंगे कुछ 2490 की बात करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो, 2495 में बिना पैठा से आई हूँ, 2490 का 80 का तो मुझे पता नहीं, पर अब जो काम हो रहा है ठीक ही हो रहा, बढ़िया काम हो, बीजेपी की सरकार में बढ़िया हो रहा। क्या कह रहे हैं ये लोग, रोज योगेश धामा बता रहे हैं? योगेश धामा ही है, योगेश धामा क्यों है जी? आदमी बढ़िया हो, आदमी बढ़िया है, काम के ऊपर बात होगी, कैसे होगी? धामा घर घर सबका इंटरेस्ट, सब कुछ जानता। अच्छा, धामा बढ़िया है, तू तो आप धामा को समर्थक? आइए, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पे, क्योंकि कुर्सी की लड़ाई है तो स्वाभाविक सी बात है, जो कुर्सी पे बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी एक एक करके जान लेते हैं। नाम बताइए। विपिन कुमार। विपिन कुमार जी, विपिन कुमार जी, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, क्या जो है, किस मुद्दों पे जो सरकार? सुरक्षा के ऊपर जी, कानून व्यवस्था के ऊपर, कानून व्यवस्था। हाँ जी, बीजेपी गठबंधन आ रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला, नहीं होगा, पीछे भी नहीं हुआ कुछ, अब भी नहीं होगा। कह रहे हैं अब की बार नलके से पानी पिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कहने से कुछ होएगा क्या? पब्लिक के हाथ में, जनता के हाथ में, जनता के हाथ में। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है जी। तो बीजेपी, योगी जी, इज गुड। खड़ंजे पीछे आपकी, खड़ंजे महाराज, सीसी हो रहा सारा काम, बढ़िया। हाँ बढ़िया, ओके। बाकी रुझा आँख मीच के कहीं भी। अच्छा, हाँ आँख मीच के पट्टी बांध के कहीं गाय में नहीं गिरेगा, बाकी चला जा बीच के। हाँ, खम्भे में टकरा गया तो? टकरा गया तुझे ज्ञान हो जाएगा, अपने आप होगा ज्ञान तुझे, तो मुझे ज्ञान दिलवाओगे? भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बीजेपी की वोट है सब। अच्छा। एक तरफा पूरा गांव पहले से ही बीजेपी को देता है, पुलिस प्रशासन बढ़िया, कोई चोरी चकारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बढ़िया काम कर। इंसान भगत तो कोई भी जोश में होश खो देता जी, ठीक है ना। गांव सब जो है सरकार के, भाजपा के पीछे है, और हम भी प्रतिनिधि हैं उसके, सब उसी को वोट देंगे, पूरा गाँव। पूरा गाँव। आपका नाम? प्रभुनाथ। प्रभुनाथ जी, गुरु जी, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ रहेगा इस बार? मुद्दे जो कुछ कर रहे अच्छे कर रहे, हमसे तो बढ़िया हैं, देश का पिता है जो है प्रधानमंत्री, देश का जो है पिता सम्मान होता, आदमी को हरेक आदमी बड़े बूढ़े का मान सम्मान करना चाहिए, ये नहीं कि छोटा बड़ा जो कोई राख रहा उसका तो मान सम्मान करने चाहिए। इंसान आप पे कोई बड़ा बताता, लेकिन बड़े तो हैं जो देश को चला रहे हैं, हमसे तो अपना घर भी नहीं चल रहा, सोचो तुम। बहुत अच्छी बात, लोग बाग अपने घर के फकीर, हम तो चोरा के फकीर है, मांग का खाना, हमें तो कहीं भी रहो गाँव का अलबिस्सा है, वोट हमारी जागी भाजपा कोई, भाजपा को। आप इस काम पे लिख के कोई बूटा लगा, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल भाजपा है जी, एक मत है जी सबका, एक मत। अरंडी का कोई खेल नहीं है, कोई कोई खेल, रणजी पंडी का कोई मतलब नहीं है जी, या कोई मतलब नहीं, अरंडी पंडी कौन है? अरंडी पारंडी को दे, राज्यसभा सांसद सतबीर नागर भाई है उसके। अच्छा अच्छा अच्छा, सुरेंद्र नागर जी, सुना होगा सर, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी ने बहुत काम कराए हैं और पूरा गांव जो है बीजेपी के साथ है, भाजपा के साथ। हाँ जी, लेकिन कुछ जगहों पे कहा गया है कि महंगाई चरम पर है, रोजगार नहीं है, युवा जो है भर्तियां नहीं आ रही हैं, जो भर्तियां पहले निकली थी उनको जो है नहीं, रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार बहुत है, परिवार बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी ना, ये तो सब
बढ़ते ही हैं, जो चीज़ें बढ़ती हैं। देश के अंदर एक जनसंख्या कानून नियंत्रण की मांग को लेकर के एक बहुत बड़ी जो है जब वो चीज़ माहौल बना है, एक रोड शो वगैरह भी हुआ है, रैलियाँ भी निकलती आई है जनसंख्या को लेकर के, क्या लगता है इस बार कि जनसंख्या रोजगार का कारण हो सकता है? नहीं, जनसंख्या पर नियंत्रण तो होना चाहिए, जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है तो बीजेपी वो काम भी कराएगी धीरे धीरे जनसंख्या नियंत्रण का। क्यों जी, जनसंख्या होनी चाहिए? युवा हो आप, मुझे शादी नहीं हुई अभी तुम्हारी, बोलो इनसे बात करते हैं, होनी चाहिए? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, ये हमारे देश की सबसे ज्यादा मांग। लड़ाई रहती है सभी की, वो मूछों की लड़ाई रहती है, आप साफ साफ देख रहे हैं, आप साफ साफ देख रहे हैं, और इनका इनकी जो मूछें हैं वो देख करके याद आ गया कि हमारे जो जो हमारे अभिनंदन है पाकिस्तान से जो है वापस लौट कर आए, तो वो मूछें उनकी भी कुछ ऐसी ही नज़र आती थी, उसको देख करके आज इनसे भी बात कर लेते हैं, इनका भी क्या जोश है, क्योंकि मूछों वाले व्यक्ति में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, तो इनसे जानते हैं क्या कुछ एनर्जी इनके अंदर है। भाई जी अपना नाम बताइए। नाम मेरा कंवरपाल है जी। कंवरपाल है, काफ़ी टाइम से वोटिंग करते आ रहे होंगे आप लोग, बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ पर आ रहे होंगे, आम आदमी पार्टी वाले 35-40 साल, आम आदमी भी आ रही होगी, सारे लोग आ रहे होंगे, आम आदमी हमारा गांव योगी का ही है, योगी को वोट देंगे सब, योगी को वोट देंगे। तो यहाँ मेहरमपुर गांव से आपने संतों को भी सुना और युवाओं को भी सुना, बुजुर्गों को भी सुना, यहाँ तक कितनी उम्र के बुजुर्ग को भी सुना कि उनका भी जो है हाथ जरूर कांप रहे थे, लेकिन वोट भाजपा को ही जाएगी, बाद में उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा। तो नमस्कार, मेहरमपुर गांव से नीरज गुप्ता की एक खास कवरेज आप देख रहे थे लाइव लोकवाणी न्यूज़ टीवी पर, मेरे कैमरामैन रिंकू धामा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।